सेम हेयर सिग्मा और आज हम क्या कर रहे हैं छलांग नहीं करता कैरी नहीं करता मूवी का नाम छलांग है और सॉन्ग यही है कैरी नहीं असल में इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। हम लोग का टाइम का कुछ इशू हो रहा था तो हम लोग मिल नहीं पा रहे थे तो आप फाइनली आपकी रिक्वेस्ट हम पूरी कर रहे हैं और हम तभी यहाँ पे हैं। और ये गाया है यो यो हनी सिंह ने गाया है और ये मूवी आई थिंक आ चुकी भी है ना स्टार्ट करें जिसमें राजकुमार राव भी है। यस हाँ भी बोल दे पंचनामा की वजह से मुझे ये अच्छी लगने लगी थी मूवी। किसी लड़की को ना कभी शेयर करूं ऐसी कोई मिली नहीं जिससे तुझे कंपेयर करूं खाना खाने जो तू बैठे पीछे तेरी शेयर करूं इससे ज्यादा किस की अब कितनी मैं केयर करूं जो हुक्म करे वो सब मैं करूं तेरे पीछे किस किस से लड़ूं तो क्या मैं करूं फिर तू ही बता किस गलती की मुझे दे जिस राह मैंने पूछा कितने लड़के तेरे स्नैपचैट पे मैंने पूछा क्या करती पूरा दिन अपने फ्लैट पे मैंने किया चेक क्या है तेरे मोबाइल में किन किन का नाम है छुपाया लास्ट टाइम में कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में क्या छुपा रखा है सरकास्टिक स्माइल में कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में क्या छुपा रखा है सरकास्टिक स्माइल में। I swear to you, I care for you. I swear to you, I care for you. मिस तुझे करती हूँ WhatsApp करती हूँ हर बारी करे अनसीन तू कभी डैड नाउ बिजी कभी यारा नाल बिजी बातें करता है थोड़ी थोड़ी मीन तू शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ सबके सामने फाड़ मेरी बाँ तू शरेआम करदा क्यों नहीं मैनू हाँ सबके सामने तू फाड़ मेरी बाँ ऐनी नहीं तू गैर नहीं करदा तू तो साड़ी गैर नहीं करदा टाइम से पैर नहीं करदा तू तो साड़ी गैर नहीं करदा तू तो साड़ी गैर नहीं करदा टाइम से पैर नहीं करदा तू तो साड़ी गैर नहीं करदा। यो यो हनी सिंह मैं यही वेट कर रही थी कि यो यो हनी सिंह कब अपना गाना गाएंगे। नाम तो लिखा है तो होना चाहिए। मैं लाइक इट यार मतलब से वाली लड़की कंप्लेन कर रही पर जब योयो ने बोलना शुरू किया सॉन्ग जो योयो हनी सिंह ने डेडिकेट किया ना स्पेशली मैरिड वालों के लिए किया है जो घर में जो चल रहा था ना डिट्टो सी सेम वही स्टोरी लग रही है मुझे। अमेजिंग एंड फन लाइक मींस डायरेक्ट जब खवातीन को रिप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसे ही मुंह बनेगा ना। चलो खैर वैसे हमने ट्रेलर पर रिएक्शन दे चुके हैं ना मेरे टीचर होते दोनों ये लोग और फिर एक नया लड़का आ जाता है हाँ। फिर ये बेचारा इतना जेलस होने लग जाता है हाँ ये मुझे हाँ। ट्रेलर याद है। खैर गाना काफी अच्छा था इसका फन था एंजॉयमेंट से भरा हुआ था तभी यानी लेकिन एंजॉय करने में मजा भी आया और सुनने में भी मजा आया। डायलॉग्स बड़े अच्छे थे हनी सिंह के थे जो स्पेशली थे कि मैंने स्नैपचैट में कितने हैं यो है मतलब वही ना उल्टा पड़ गया लड़की सुनाई थी उसने उल्टा ही सुना दिया उसको आखिर में लड़के को बाहर मारना पड़ा। Yeah guys, I hope आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए लाफिज।